हेलो द क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बी एंड सी कैन इंडिविजुअली कंप्लीट अ टास्क इन 20 डेज 16 डेज एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली इफ ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द टास्क एंड दे वर्कड फॉर 4 डेज एंड लेफ्ट देन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाई सी टू फिनिश द रिमेनिंग टास्क इज। देखिए यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, जैसे ए बी सी, ठीक है, 3% मान के चलिए, जो कि ए जो है वो 20 दिनों में कार्य को कंप्लीट कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 16 दिनों में और सी उसी काम को 30 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। तो सबसे पहले तो हम लोग इफिशियंसी निकाल लेते हैं तीनों की। इफिशियंसी निकालने के लिए पहले एलसीएम निकालते हैं, जिससे कि हमें टोटल वर्क निकल जाए। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, एलसीएम निकालते हैं, 20 से 16 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 दूना 60, 30 तिहाई 90, 30 चौका 120, ठीक है। तो 30 चौका 120, 30 पाँचे 150, 30 पाँचे 150, 30 छक्के 180, यानी कुछ इस तरीके से पहले चेक कर लेते हैं हम लोग डायरेक्ट इस तरीके से एलसीएम निकाल कर, ठीक है। तो 2 10 यहाँ 8 होगा, यहाँ 15 होगा, ठीक है। उसके बाद फिर 2 5 यहाँ 4 होगा, यहाँ 15 होगा, फिर 5 1 4 और 5 3 15। तो 2 2 4 4 5 20, 20 चौका 80, 8 3 24 यानी 240 यहाँ रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम तो 240 हुआ, यहाँ लिखेंगे ए। ए जो है वो 20 दिनों में कार्य कर सकता है, बी जो है वो 16 दिनों में और सी जो है वो 30 दिनों में, और 240 जो है ये हो गया आपका टोटल वर्क यानी 240 यूनिट। तो ये हो जाएगा आपका कितना बार में चला जाएगा, तो ये चला जाएगा आपका 12 दुना 24 यानी कि 12 इफिशियंसी इसका होगा, और ये कितना बार में जाएगा, तो 15 बार में जाएगा ये ना, 15 बार में, और ये 30, तो 3 8 24 यानी कि 8 बार में जाएगा, ठीक है। तो इफिशियंसी तो निकल गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ए और बी एक साथ जो है काम को शुरू करते हैं और 4 दिन तक काम करते हैं बस, उसके बाद काम को छोड़ देते हैं। तो ए और बी की इफिशियंसी देखते हैं, ए की इफिशियंसी है 12, बी की इफिशियंसी है 15, दोनों को जोड़ देते हैं तो कुल हो जाता है 27, यानी कि ए और बी की कुल इफिशियंसी 27 है और कुल 4 दिन के लिए काम किए, तो 4 से गुणा करते हैं तो 7 4 28 हो जाएगा, और 4 2 8 और 2 10 हो जाएगा, यानी 108 कार्य हो चुके हैं। अब जो बचे हुए काम है वो सी के द्वारा किया जाता है, तो 240 में से 108 यूनिट कार्य को घटा देते हैं तो कितना बच जाता है, तो 132 बचेगा, ठीक है। 132 जो काम है वो केवल अकेले सी के द्वारा किया जाता है। तो हमें टाइम बताना है, भाग करेंगे तो 8 1 8 और फिर कितना होगा, 8 1 8 होगा और 5 बचेगा, 5 2 तो 6 48 हो जाएगा, और फिर कितना बचेगा, तो 4 8 होगा, ये कटेगा 1/2 आएगा, तो यानी 16:1/2 डेज टोटल लगेंगे, यानी कि अकेले सी को बाकी के काम करने में कितने दिन लगेंगे, 16:1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो ऑप्शन नंबर सी ही क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।